हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई एम योर फ्रेंड शादाब खान अज़ीज़ी और आज आपको हम बताने वाले हैं सबसे फास्ट अंग्रेज़ी सीखने का तरीका और हमारे जो लेसन हम अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे, इसको कैसे स्टडी किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको सबसे फास्ट तरीका क्या है। दोस्तों सबसे फास्ट तरीका जो अंग्रेज़ी सीखने का है वो है माहौल में घुस जाना, यानी कि वैसा माहौल बना लेना कि जिसमें हम इंग्लिश सीख सकें, जिसमें आपको कुछ दोस्त चाहिए हैं ऐसे जो आपसे इंग्लिश में बात करें और आपको भी हमेशा इंग्लिश में ही बात करते रहना है। अगर आप अपनी अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही लोगों से जुड़े रहना पड़ेगा और जो आपके लेसन्स हैं, आपकी बुक्स हैं, सब कुछ आप जैसे कि वीडियो देखते हैं अगर कोई यूट्यूब पे, तो आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। आपको पूरा जो है इंग्लिश का माहौल बनाना है आपको, तो ही आप अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। और दूसरा तरीका जो फास्ट है दोस्तों, एक और तरीका है अंग्रेज़ी सीखने का, वो दूसरा तरीका ये है कि आपको मेमोराइज़ करना है। या दोस्तों कि अगर आपको कोई लेसन, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस कहीं पे लिखा देखा या आपने क्लास में पढ़ा या हमारे ही जो यूट्यूब एसके इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड हम करते हैं, एक्सप्रेशन आपको पढ़ाते हैं, वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि वो डेली बोलचाल वाले एक्सप्रेशन हम अपने चैनल पर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो आप उसको अगर मेमोराइज़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको आई प्रॉमिस 100% श्योर कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। दोस्तों ये दो तरीके मैंने बताए हैं, आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही फास्ट तरीके हैं। तीसरा कोई तरीका नहीं है जो आपको फास्ट इंग्लिश आ जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना ग्रामर के हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो दोस्तों ये गलत है, आप बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपके पास एटमॉस्फेयर है, माहौल है अंग्रेज़ी सीखने का, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास माहौल नहीं बन पा रहा है, लोग नहीं मिल पा रहे हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप जो है हमारे लेसन को, हमारे यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इसको अच्छे से मेमोराइज़ कीजिएगा, आपको 100% इंग्लिश आएगी। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।